हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कूल अकेडमी चैनल पर और आप है धीरज सर के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर पैटर्न का लास्ट पार्ट, जो ड्रामा जनर और नावल पर आधारित है। आपके सिलेबस में सेक्शन 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 4.1 हिस्ट्री ऑफ नावल, 4.2 टू सर विथ लव, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड 4.4 द साइन ऑफ 4। क्वेश्चन 5 ये लिटरेरी जनर पे आधारित है। ये पार्ट कम्प्लीटली इंग्लिश लिटरेचर है। अगर क्वेश्चन 5 की डिटेल स्टडी की जाए तो वो क्वेश्चन 4 की तरह ए बी सी और डी पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 5 ये पहले 4 क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसमें आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा, ये आपके सेल्फ इलस्ट्रेशन पर आधारित है। जितना आपके पास इस सेक्शन की जानकारी स्टडी है, उतना ही आप इम्प्रेसिव राइटिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन 5 का ए पार्ट कैसे रहेगा। क्वेश्चन 5 ए में 2 एक्टिविटी दी जाएगी, जो कम्प्लीटली आपके सिलेबस के 4.1 यानी हिस्ट्री ऑफ नावल पर रहेगी। ये पार्ट सबसे ईजी पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको MCQ, मैच द कॉलम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और एनी अदर एक्टिविटीज पर एक्टिविटी रहेगी। क्वेश्चन 5 के ए पार्ट में फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी भी इच 2 मार्क्स के लिए रहेगी। जैसे क्वेश्चन 5 ए में चूज द अल्टरनेटिव, ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने चुनी है। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी दी है पिकारेक्स नॉवल, मीन्स आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अ रफ, अ लेटर, अ ग्रोथ एंड एनी अदर। और सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, जैसे राम मोहन्स वाइफ वॉज रिटर्न बाय राजा राउस, ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 5 ए में एक्टिविटीज पूछी जाएंगी। हम नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट आपके सिलेबस की 4.2 टू सर विथ लव पर आधारित है। यहाँ पर भी आपको 2 एक्टिविटीज कैरी करना है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी करने के लिए, खास करके ड्रामा और नॉवल जनर की, कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, और वो है ए प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज और कैरेक्टर। इस पार्ट की फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी आल्सो इन्हीं एलिमेंट्स पर आधारित है। फर्स्ट एक्टिविटी में डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, नेम और डिस्कस कीजिए, इस तरह की एक्टिविटी पूछी जाती है। तो सेकंड एक्टिविटी में इलुस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, इस तरह की एक्टिविटी पूछी जाएंगी। अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए पूछा जाए तो कितने वर्ड्स में आप उसका आंसर लिखेंगे, इसमें आपको करीबन 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। वो आपके नॉलेज पर डिपेंडेंट है, यहाँ खुद की मेहनत है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ आपकी ये मिस्ट्री दूर करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है प्लॉट, ये आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा और ये ऑप्शनल है। याद रखिए, आपको यहाँ पे डिजायर, जो भी क्वेश्चंस आता है 5 में से, वो आपको छुड़ाना है। यहाँ पे कर्स ऑफ इवेंट्स, इंसिडेंट्स, स्टोरी मेकअप ऑफ द थीम, इन पर आधारित एक्टिविटी दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डिस्क्राइब द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, ये यहाँ पे प्लॉट दिया है। तो सेकंड एलिमेंट है कैरेक्टर, ये भी 2 मार्क्स के लिए रहेगी। यहाँ पे नॉवल में जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि सर विथ लव में कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं, डेनहम, मिस फिलिप्स, द नैरेटर, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम के लिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, स्केच द कैरेक्टर ऑफ डेनहम, ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है थीम, ये भी आपको ऑप्शन में 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। ये एलिमेंट्स आपके सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल पर डिपेंडेंट है। जैसे नैरेट द टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप हाइलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में दी गई टीचर स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं और वो है सेटिंग। यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको 2 मार्क्स के लिए सेटिंग रहेगी। यहाँ पे नॉवेल्स की प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट और वेदर, लाइफस्टाइल एंड बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, इन पर एक्टिविटी रहेगी। जैसे कि डिस्क्राइब द प्लेस एंड एटमोस्फियर वेयर द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल टू प्लेस, यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रोग्राम हुई है, वो जगह की कुछ खासियत बताए, उस टाइम की कुछ खासियत बताए। तो वैसे ही इससे प्रॉपरली समझने के लिए आपको अपने टीचर्स की सहायता लेनी जरूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट है लैंग्वेज, ये भी आपके लिए ऑप्शन में रहेगा और 2 मार्क्स के लिए। इसमें नैरेटिंग स्टाइल और टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर फॉर नैरेशन ऑफ द कर्स ऑफ इवेंट्स इन द नॉवेल को ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे नैरेशन की स्टाइल और टेक्निक को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
ये नावल कैसी लिखी गई है, इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई है, क्या क्या यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज में लिखना है। जैसे डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज बाय मिस फिलिप टू कन्विंस डेनहम इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। ऐसे 5 एलिमेंट्स दिए जाएंगे, ईच एलिमेंट्स को 2 मार्क्स रहेंगे, इनमें से आपको कौन से भी 2 कैरी करना है। क्वेश्चंस ऑन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ। जैसे प्लॉट पे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, कैरेक्टर पे पूछा जाएगा, स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिसेस फिलिप, थीम पे पूछा जाएगा, नैरेट द टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट। सिमिलरली सेटिंग पे भी पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द प्लेस एंड द एटमोस्फियर वेयर द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल टुक प्लेस। और लैंग्वेज पे भी वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज बाय मिस फिलिप टू कन्विंस डेनहम इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको कौन से भी 2 क्वेश्चन को कैरी करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5C की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन 5C ये 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पर आधारित है। क्वेश्चन 5B की तरह ही ये 5 एलिमेंट्स पर आधारित है। जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल ही देता हूँ, आपको प्लॉट पूछा जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं, नैरेट द मेजर इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ फिलिप फॉग फ्रॉम हिज इम्प्रिजनमेंट टू विनिंग द वेगर। आपको कैरेक्टर पर भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ फिलिप फॉग। आपको थीम पर भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट हीज यानी फॉक्स ऑब्जेक्ट हाउएवर टू बी विक्टोरियस एंड नॉट टू विन द मनी। सेटिंग पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द एक्सट्रैक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस डिस्क्राइब्ड इन शॉर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 प्लेस मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। और लास्ट में लैंग्वेज पर, जैसे कि कंपेयर द लैंग्वेज यूज्ड बाय द 3 मेजर कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन 5C में टेक्स्ट बुक के आधार पर आपको इंफॉर्मेशन लेकर करीबन 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन 5D भी क्वेश्चन 5C की तरह 5 एलिमेंट्स की एक्टिविटीज पर आधारित रहेगा, लेकिन ये आपके सिलेबस 4.4 द साइन ऑफ 4 इस कंटेंट पर आधारित रहेगा। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि प्लॉट पर आपको पूछा जा सकता है, नैरेट इन योर वर्ड्स द विजिट ऑफ मिस मार्शन एट शेरलॉक होम्स प्लेस। आपको कैरेक्टर्स भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्शन। थीम भी हो सकती है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। यहाँ पे सेटिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस प्लेसेस मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। एंड लास्टली आपको पूछा जाएगा लैंग्वेज, इलेबोरेट द फॉलोइंग लाइन्स इन द लाइट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। और वो सेंटेंस है, यू रियली आर द ऑटोमेशन अ कैलकुलेशन मशीन। दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन 5D, C और B में 5 एलिमेंट्स के आधार पर ऑप्शनल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक के आधार पर इनकी डीप स्टडी करके ये सारे क्वेश्चन छुड़ाने हैं। दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन 5 में आपकी रियल राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट है, इसमें आपको काफ़ी डीपली नॉवल सेक्शन की स्टडी करनी है। इस पेपर पैटर्न को जानने के बाद मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबा आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आपकी समस्याएं कुछ हो तो आप कमेंट में लिखें। उसी के साथ दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके लाइक देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी थीम लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।